देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले कि मैं साउथ में 4 साल से काफ़ी गाने गा रहा हूं, जितने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा, और काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चरों में देवी श्री प्रसाद, तमन जो वहाँ के रहमान साहब, सबके साथ मैं गाने गा रहा हूँ। तो जो मेरा इंस्पिरेशन था, जो मैंने इसमें कुंजम, ये सेव द गर्ल चाइल्ड, मैं शोज करता हूँ, तो मैं दिल्ली शो करने गया था, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं तो सडनली एक पेज आया था जहाँ पे किलिंग गर्ल चाइल्ड के बारे में था। तो मैंने, जैसे मैंने जिक्र किया, कैसे कैसे तरीके तरीके से बच्चों को जब पैदा होती हैं या पेट में ही मार देते हैं उनको, तो फीटस को, जो हम लोग उसके बारे में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं। आई थॉट कि एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सीरियस मैसेज दूंगा तो लोग हंसेंगे, बिकॉज इतना लोग ऐसे गाने बहुत बन चुके हैं, ऐसे गाने बहुत वीडियोज़ भी आ चुके हैं, तो कैसे इसको एक कमर्शियल तरीके से, एक प्लेफुल तरीके से उसको बनाया जाए। तो एक आइडिया आ गया कि न्यूटन बॉम्ब फटिंग, पियो चाय पियो कटिंग, शी इज़ अ लक्ष्मी वन प्रिंसेस, हर पोल का डॉटेड ड्रेस। तो ऐसे करके गाना प्राजी कुंजम कुंजम कंट्रोल, कुड़ियाँ गुड लक ते रॉक एंड रोल, सब हो जाता है बिकॉज इतने साल हो गए। अभी ऑब्वियसली 20 साल हो गए, 1992 में ठंडा ठंडा पानी निकला था, बट ये चीज़ें कई अपने सब तरीके से डेवलप हो जाती हैं, और कई कई ब्रेक्स लगते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में एक हिंदी रिलीज़ हो रहा है। बट उस प्लेफुलनेस तरीके से, उसी जज्बे से, उसी पैशन के साथ मैंने गाना निकाला है, और आई फील गुड, बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई एम बैक इन द सीन।